जय हिंद, मैं विशाल दत्त आज गाजियाबाद पुलिस का एक और कारनामा आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। राजनगर एक्सटेंशन में गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर के पास इजी डे स्टोर है रिवर राइड सोसाइटी के बराबर में। इसके बराबर में ही एक ओम बीकानेर करके रेस्टोरेंट भी है और शराब का ठेका भी है, देसी अंग्रेजी दोनों शराब के ठेके और एक छोटी सी कैंटीन भी बनी हुई है वहाँ। होता क्या है कि जो इजी डे में सामान खरीदने आते हैं या जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं वो लोग अपनी गाड़ियां सड़क पर ही पार्क कर देते हैं। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो ये जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है चाहे वो इजी डे की हो या शराब के ठेके की हो, इसके लिए GDA या किसी और विभाग से परमिशन नहीं ली हुई है, लेकिन क्योंकि वो गाँव की जमीन है, गाँव वालों ने बनाई हुई है और GDA के अधिकारियों की लगातार सेवा होती रहती है, इसलिए वो बिल्डिंग बनी हुई है। खैर, वो एक अलग मसला है, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम ट्रैफिक की। तो होता क्या है कि जो गाड़ियां सड़क पर पार्क कर देते हैं उसकी वजह से यहाँ सड़क पर जाम लगा रहता है। अगर आप राजनगर एक्सटेंशन में आते हो तो ये मेन रोड पर गोल चक्कर से पहले टर्न पड़ता है एक हल्का सा, ये उस टर्न के आसपास ही है। तो एक तो टर्न की वजह से वहां पर गाड़ियां धीमी हो जाती हैं और दूसरी वहां जब ये जाम लग जाता है, गाड़ियां पार्क हो जाती हैं तो वहां जाम लगा रहता है। शाम को अगर आप 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक देखें तो यहाँ लाइन से गाड़ियां खड़ी रहती हैं। मैंने इसकी एक वीडियो बनाकर शेयर की ट्विटर पे, पुलिस से शिकायत की। उसका पुलिस की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले दिन मैंने देखा कि वहां पर सोसाइटी के बाहर, रिवर राइड सोसाइटी के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लगा हुआ नो पार्किंग। और ताज्जुब की बात यह है कि जहां नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है उसके बराबर में एक फल वाला खड़ा हुआ है, वो अपने दुकान से फल बेचता है, लोग गाड़ी नो पार्किंग के बोर्ड के पास खड़ी करते हैं और सामान खरीदारी करते हैं। ऐसा ही आगे देखा, वहां भी नो पार्किंग का बोर्ड लग गया रेस्टोरेंट के सामने। मतलब यह है कि पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी सोसाइटी वालों को सौंप दी या वो दुकानदारों को सौंप दी कि भाई यहां पर बोर्ड लगाओ, आपकी जिम्मेदारियां हैं जो कुछ भी करना। इतना ही नहीं, वहां पर आप देखेंगे तो गोल चक्कर से इन दुकानों पर आने के लिए या बराबर में गांव में अंदर जाने के लिए 24 घंटे रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं लोग। यहां पर अभी 2 दिन पहले एक मोटरसाइकिल पर हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा गोदी में थे, वो बच्चे को लेकर वाइफ पीछे बैठी हुई थी, जा रहे थे, रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी ने इतनी जबरदस्त टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल वाला नीचे गिरा, छोटे से बच्चे को चोट आई और उनकी लेडी जो पीछे बैठी थी उन्हें काफी चोट आई। तो आप ये देखिए कितनी लापरवाही से पुलिस हमारे यहाँ काम कर रही है। कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पर एक CCTV कैमरा लगा दें, जो यहाँ से निकले, रॉन्ग साइड निकले या नो पार्किंग में पार्क करे, उसका ऑटोमेटिकली फोटो खींचता रहेगा, वीडियो बनती रहेगी और उसका चालान कट बन जाएगा। आजकल इतने सेंसिटिव कैमरे आ रहे हैं कि वो आपका गाड़ी का नंबर, ड्राइवर का चेहरा सब उसे कर देते हैं। आप दिल्ली में देखें, इस पे हाईवे पे देखें, सब जगह वो हाई स्पीड कैमरे लगे हुए हैं जो कि कैप्चर सब, गाड़ी का नंबर से लेकर ड्राइवर का चेहरा सब कुछ कॉपी कर लेते हैं। आपको इसके लिए पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर एक विज्ञापन का स्पेस बना दें, आप एक बोर्ड बना ऐसा लगाने की परमिशन दे दें कि जो वहां पर एडवर्टाइज करना चाह रहा है उस शर्त ये होगी कि वहां पर हाई स्पीड कैमरे लगाएगा। यही काम गाजियाबाद के हर चौराहे, हर गोल चक्कर पे हो सकता है। आप उनको कमर्शलाइज कर देंगे, सेंट्रलाइज, आपका ऑलरेडी आपके पास यूनिट है जहां पर आपका सारा डेटा इकट्ठा होता है, पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बना हुआ है, कंट्रोल रूम में लोग बैठकर वहां पर यही काम कर रहे हैं। जो लोग व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे आपको टैग करके पुलिस को भेजते हैं वो कंट्रोल रूम में बैठकर वहां पर सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री करते हैं और चालान काटते हैं, क्योंकि उसमें लोकेशन नहीं होती है। इसलिए हर ट्विटर पे आप कभी पुलिस में शिकायत करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस का जवाब यही होता है, कृपया समय और लोकेशन बताएं। आप जब ये हाई स्पीड कैमरे लगा देंगे तो आपको ना समय पूछने की जरूरत है ना लोकेशन पूछने की जरूरत है, वहां जियो टैगिंग के साथ आपको जो भी सड़क से उल्टा जा रहा है उसकी तस्वीर आ जाएगी, गाड़ी का नंबर आ जाएगा। और क्योंकि वो आप एक कमर्शियल स्पेस बना देंगे, वहां पर एक होर्डिंग लगाने की परमिशन दे देंगे, तो आपको उस पर कुछ खर्चा भी नहीं करना होगा। आप मुझे बताएं, गाजियाबाद 365 की तरफ से मैं आपके जितने भी चौराहे हैं सब पर बोर्ड लगवा सकता हूं, सब पर CCTV कैमरे लगवा सकता हूं। लेकिन उस तरह की सोच वाले हमें अधिकारी चाहिए जो कि इनोवेशन के साथ काम करें और
नए नए तरीके अपनाकर काम करें। वो क्या होता क्या है कि कोई 20 साल उसने नौकरी की गांव में या शहर में, मैं किसी की काबिलियत पर कभी संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन गाजियाबाद का ट्रैफिक, दिल्ली का ट्रैफिक, नोएडा का ट्रैफिक, उसकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है जिसके लिए एक स्पेशलिस्ट अधिकारी की जरूरत है, चाहे वो गाजियाबाद में बैठ अपने गाजियाबाद के लिए स्पेशल हो, नोएडा के लिए अलग से स्पेशल हो, लेकिन एक ऐसे ऐसे ट्रेंड लोगों की जरूरत है जिन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट में कहीं से ट्रेनिंग ली हुई हो, कुछ उन्हें टेक्नोलॉजी का एहसास हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या हो रही है। इस तरह के लोग आप पुलिस में डालेंगे या ऐसी संस्थाओं की मदद लेके उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद कुछ ट्रैफिक बेहतर हो पाए, अदरवाइज लोग उल्टे चलते रहेंगे। चालान 10,000 का हो गया, पुलिस वालों ने उसे 10,000, 20,000, 15,000 जितनी जिसकी हैसियत देखी उस हिसाब से उसको चालान बना के डर दिखाते हैं या चालान काटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, लेकिन क्या हो रहा है इसको मैं बोलूंगा तो सीधा सीधा आ जाता है आपके पास क्या सबूत है। इसका कोई सबूत नहीं है और ना कभी कोई सबूत मिल सकता है। आपको देखना होगा कैसे इस चीज को कंट्रोल करना है, तरीके मैं आपको समझा रहा हूं।